हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो एच 40 नियो को मोटो एच 40 से। दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोग को कंसीडर करना चाहिए। मोटो एच 40 नियो आप लोग को अंडर 25,000 यहाँ पे मिल जाता है एंड ये आप लोग को अंडर 30,000 मिलता है। क्या आप लोग को 5-6 हज़ार ज्यादा देकर एच 40 लेना चाहिए या फिर आप लोग को एच 40 नियो की तरफ जाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजों के बारे में डिटेल तरीके से बताऊंगा। कैमरा किसका बेटर है, परफॉर्मेंस कैसे मिलती है, थर्मल थ्रॉटल करता है या फिर नहीं करता है, सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन की जो इन हैंड फीलिंग है ना वो काफी अच्छी यहाँ पे निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बैक साइड में वीगन लेदर मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे हाथ में होल्ड करोगे स्मार्टफोन को तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे प्रीमियमनेस पूरी फील यहाँ पे होने वाली है। मोटो एच 40 नियो में आप लोगों को जो साइड्स के फ्रेम है वो यहाँ पे प्लास्टिक के मिल जाते हैं, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मोटो एच 40 में आप लोगों को मेटल फ्रेम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा यहाँ पे मोटो एच 40 ज्यादा नंबर ले जाता है। एंड बैक साइड में आप लोग को डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, सेम टू सेम जैसा मोटो एच 40 के अंदर है वैसा ही कैमरा सेटअप एच 40 नियो के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन मल्टीपल कलर वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोग को एक्रेलिक ग्लास वाला भी वेरिएंट आप लोग को मिल जाएगा पर्सनली, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग को वीगन लेदर मिलता है तो फिर इसी को कंसीडर करो, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रीमियमनेस आप लोग यहाँ पे फील होने वाली है। अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो मुझे पर्सनली यहाँ पे एच 40 का जो बिल्ड क्वालिटी वो ज्यादा प्रीमियम लगा। दोनों ही स्मार्टफोन का इन हैंड फीलिंग अच्छा है बट ज्यादा प्रीमियमनेस आप लोगों को एच 40 में यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे एच 40 एक नंबर लेकर जाता है। सो गाइस, अब मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मोटो एच 40 नियो के अंदर में आप लोग को 6.55 इंच का यहाँ पे फुल एच डी प्लस 10 बिट पी ओलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही यहाँ पे आप लोग को HDR 10 प्लस का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो काफी तगड़ी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप लोग कर्व डिस्प्ले मिलता है तो जिसके कारण जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस वो काफी बेहतर निकल कर आता है। पूरा आप लोग का एज टू एज यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा। मिनिमम से आप लोग को यहाँ पे बेजल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल नोटिसेबल नहीं है, काफी अच्छी डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है। इवन जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो भी आप लोग को तगड़ी मिल जाएगी एच 40 नियो के अंदर में। 1300 की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस यहाँ पे मिल जाती है। वहीं पे अगर यहाँ पे मैं मोटो एच 40 की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप लोग को 144 हर्ट्ज 6.55 इंच के यहाँ पे फुल एच डी प्लस यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आप लोग को 144 हर्ट्ज के यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलते हैं, काफी स्मूथनेस आप लोग को अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग को 10 बिट डिस्प्ले नहीं मिलता, नॉर्मल आप लोग का 8 बिट जो डिस्प्ले है वो मिलता है। बताऊंगा डिफरेंस के बारे में। तो दोनों में से अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूँ डिस्प्ले के अंदर में तो ज्यादा मेजर यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकल कर आते, दोनों का ही डिस्प्ले आप लोग को काफी तगड़ा मिलता है। बेजल्स आप लोग देख सकते हो, काफी मिनिमम से आप लोग यहाँ पे बेजल्स मिलते हैं, काफी तगड़ा डिस्प्ले मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में। स्लाइटली आप लोग यहाँ पे कलर्स में यहाँ पे डिफरेंस मिलता है, लाइक हल्का कलर एक्यूरेसी जो है वो आप लोग के यहाँ पे मोटो एच 40 न्यू के अंदर यहाँ पे बेटर मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोग को HDR 10 प्लस का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, दोनों में ही आप लोग यहाँ पे यूट्यूब वगैरह में HDR कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल के लिए गाइस, यहाँ पे OTT वगैरह में HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। अगर यहाँ पे मैं 30,000 को कंसिडर करते हुए चलूं तो दोनों ही स्मार्टफोन आप लोग को तगड़े डिस्प्ले के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो वो भी आप लोग देख सकते हो, काफी फास्ट तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग को मेजर दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। एंड गाइस, अब मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मोटो एच 40 नियो के अंदर में आप लोग को मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मोटो एच 40 के अंदर में आप लोग को मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है। दोनों में डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे मिल जाते हैं। मोटो एच 40 नियो जो है वो आप लोग को डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे ला कर दे देगा, काफी तगड़े परफॉर्मेंस आप लोग मिल जाएंगे। अगर आप लोग डे टू डे लाइफ में कोई भी यूज करते हो, ऐप वगैरह, सोशल मीडिया यूज करते हो, इवन गेमिंग वगैरह भी करते हो तो फिर आप लोग मेजर दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग लॉन्ग टाइम गेमिंग वगैरह करते हो तो डेफिनेटली आप लोग को हीटिंग इश्यू मिलते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में। मैं यहाँ पे ओवरहीट नहीं कहना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन में, लाइक हल्का सा यहाँ पे वार्म होता है दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्ग टाइम गेमिंग के अंदर में, बट जो परफॉर्मेंस है वो दोनों में ही आप लोग को तगड़ी मिलती है। अगर यहाँ पे मैं मोटो एच 40 नियो की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आप लोग को एंटूतु स्कोर 5.5 लाख तक का यहाँ पे मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छे नंबर है, अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग को मिलता है। डे टू डे लाइफ में आप लोग कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मोटो एच 40 से कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे मोटो एच 40 में आप लोग को ऑलमोस्ट 7-7.5 लाख तक का यहाँ पे एंटूतु स्कोर यहाँ पे मिल जाता है। ऑब्वियसली बेटर एंटूतु स्कोर यहाँ पे मिलता है मोटो एच 40 के अंदर में, बाकी बेटर परफॉर्मेंस भी मिलती है आप लोग को मोटो एच 40 के अंदर में। परफॉर्मेंस की यहाँ पे मैं अगर बात कर ही रहा था तो रैम मैनेजमेंट की भी बात करनी चाहिए। तो लाइक दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोग को रैम मैनेजमेंट काफी अच्छी मिलती है। बहुत सारे ऐप अगर आप लोग यहाँ पे एक साथ ओपन करके रखते हो तो वो सारे रैम में रहते हैं, इसमें आप लोग को मेजर कोई यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, काफी अच्छी तरीके से रैम मैनेजमेंट को हैंडल किया गया है।
बाकी आप लोग दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में LPDDR4X रैम का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस निकल कर आता है, मोटो एच 40 न्यू में आप लोग को UMCP वाला स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है, ऑन दी अदर हैंड मोटो एच 40 में आप लोग को UFS 3.1 का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे UFS 3.1 आप लोग का ज्यादा फास्ट है, ज्यादा केपेबल है, तो यहाँ पे काफी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो आप लोग को बेटर मिलती है मोटो एच 40 में। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर यहाँ पे मैं देखते हुए चलूँ तो डेफिनेटली आप लोग को परफॉर्मेंस आप लोग को बेटर मिलेगी मोटो एच 40 में। लाइक दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में हीटिंग थोड़ी सी यहाँ पे मिल जाती है, लाइक मैं इसको ओवर हीट नहीं कहूंगा, फोन थोड़ा यहाँ पे वार्म होता है, लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पे ये निकल कर आती है लाइक यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई भी आप लोग को डाउनग्रेड नहीं मिलता है, कोई भी थ्रॉटल वगैरह नहीं करता है। मोटो एच 40 नियो के अंदर में आप लोग को 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलेगा बेस वेरिएंट, एंड यहाँ पे मोटो एच 40 की बात करो तो यहाँ पे आप लोग को एक ही वेरिएंट मिलता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज। तो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे आप लोग को ज्यादा स्टोरेज ऑफर कर रहा है मोटो एच 40। मोटो एच 40 नियो में भी आप लोग को 256GB वाला मिल जाएगा, उसका प्राइस डेफिनेटली आप लोग को थोड़ा यहाँ पे ज्यादा मिलने वाला है। बाकी गाइस दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में आप लोगों को डॉल्बी एटमोस का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, दोनों में ही आप लोगों को डुअल स्पीकर्स दिए गए, काफी अच्छे स्पीकर्स यहाँ पे रखे गए हैं, काफी जो लाउडनेस है वो आप लोगों को अच्छी मिलती है, इवन जो यहाँ पे डेप्थ है वो आप लोगों को निकल कर आता है स्पीकर्स के अंदर में, एक बेस जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे फील होगी। बाकी दोनों की स्मार्टफोन के अगर प्रोटेक्शन की बात करूं दोनों में ही आप लोगों को IP68 की यहाँ पे रेटिंग मिल जाती है, बट यहाँ पे मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे थे ट्विटर के अंदर में कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रिपोर्ट कर रहे थे लाइक वाटर में यूज करने के बाद मोटो एच 40 में आप लोगों को फॉगिंग वाला यहाँ पे इश्यू मिल रहा है कैमरा के अंदर में, तो इस चीज का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, IP68 रेटिंग मिलती है आप लोग के, इन केस अगर आप लोग यहाँ पे पानी वगैरह गिरता है तो फिर स्मार्टफोन बचा लेगा, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी गाइस अब मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोग तगड़े कैमरा यहाँ पे मिल जाते हैं। मोटो एच 40 न्यू की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को मेन कैमरा 50MP के यहाँ पे मिलता है, साथ में यहाँ पे OIS का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आप लोगों को 30MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, उसके हेल्प से आप लोग यहाँ पे मैक्रो वगैरह शॉट्स भी ले सकते हो एंड अल्ट्रा वाइड का भी काम यहाँ पे करता है। बात करना चाहूंगा यहाँ पे मेन कैमरा के बारे में, तो मोटो एच 40 नियो में भी आप लोगों को मेन कैमरा 50MP है एंड यहाँ पे मोटो एच 40 में भी आप लोगों को 50MP यहाँ पे मिल जाता है, दोनों में ही आप लोगों को ओमनीविजन के यहाँ पे सेंसर मिलता है, नाइट के अंदर में आप लोगों को फोटो वगैरह अच्छी मिलती है। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे कैमरा सैंपल यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ, आप लोगों को बेटर आइडिया लगेगा कि दोनों में से कैमरा क्वालिटी किसकी यहाँ पे बेटर निकल कर आ जाती है। दोनों में से पर्सनली यहाँ पे मुझे यहाँ पे मोटो एच 40 का कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लगा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर करता है मोटो एच 40 अगर यहाँ पे मैं नियो से कंपैरिजन करूँ तो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 1.4 का यहाँ पे अपर्चर मिलता है, तो यहाँ पे लो लाइट के अंदर में डेफिनेटली आप लोग का मोटो एच 40 आप लोग का बेटर परफॉर्म करने वाला है, नो डाउट आप लोग के यहाँ पे नाइट के अंदर में मोटो एच 40 का जो परफॉर्मेंस है आप लोग को बेटर निकल कर आता है। मैं आप लोगों को मल्टीपल कैमरा शॉट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बेटर आइडिया लगेगा किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। बात करूँ अगर यहाँ पे मैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो दोनों में ही आप लोगों को 32MP के यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल जाता है, दोनों की यहाँ मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलती है, डिटेलिंग कहीं कहीं पे आप लोग को यहाँ पे मिसिंग यहाँ पे लग सकती है, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे स्मूथनेस यहाँ पे मिल रही है। बाकी आप लोग को अगर कैमरा को फुल पोटेंशियल में यहाँ पे यूज करना है तो फिर आप लोग यहाँ पे गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो, ये डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। मैं काफी टाइम से मोटो एच 40 में गूगल कैमरा यूज कर रहा था एंड अभी मैंने रिसेंटली एच 40 नियो में भी गूगल कैमरा इंस्टॉल किया है, उसके बाद जो डिफरेंस है वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है। लाइक मैं आप लोग का डिटेल यहाँ पे वीडियो लाने वाला हूँ मोटो एच 40 नियो के GCam के साथ, तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो कैमरा की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो लो लाइट में यहाँ पे आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड मोटो एच 40 यहाँ पे विनर निकल कर आता है, बट अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे देखूँ तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी दोनों में ही आप लोग को सिमिलर सी मिलती है। मैं अगर यहाँ पे मैं प्राइस को देखते हुए चलूँ तो मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि बेस्ट कैमरा फोन आप लोग के यहाँ पे होने वाला है ये दोनों स्मार्टफोन, इससे बेटर कैमरा फोन भी आते हैं मार्केट में, बट आप लोग यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है उसको अचीव कर सकते हो GCam के हेल्प से, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। बाकी यहाँ पे मैं अगर वीडियो की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे मोटो एच 40 में आप लोग यहाँ पे 4K 30fps तक का यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरा में, लेकिन मैं अगर यहाँ पे नियो की बात करूँ तो गाइज यहाँ पे आप लोग 4K 30fps तो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक साइड में, लेकिन आप लोग यहाँ पे फ्रंट कैमरा में आप लोग सिर्फ 1080p 30fps तक यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। बात करना चाहूंगा मैं दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में, तो गाइज यहाँ पे मोटो एच 40 नियो में आप लोग को स्लाइटली अपग्रेड मिलता है वो अगर यहाँ पे मोटो एच 40 से कंपेरिजन करूँ, यहाँ पे आप लोग को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है मोटो एच 40 नियो में, साथ ही में आप लोग यहाँ पे 68W का चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर में, जो कि यहाँ पे अच्छी चीज यहाँ पे निकल कर आती है।
दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में आप लोगों को चार्जर वगैरह मिलते हैं बॉक्स के अंदर में, तो अच्छी चीज यहाँ पे है। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप लोग को ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग मोटो एच 40 नियो को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। काफी आप लोग को बैटरी बैकअप आप लोग को बेटर मिलेगा मोटो एच 40 नियो में। अगर यहाँ पे मैं मोटो एच 40 की बात करूँ तो अगर आप लोग 144 पे यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप लोग सुबह 9 बजे चार्ज करते हो तो फिर आप लोगों को 4 बजे तक आप लोगों को बैटरी लाइफ यहाँ पे मिलेगा मोटो एच 40 में। तो अगर आप लोग को ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग मोटो एच 40 नियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग को यहाँ पे एक मेजर फीचर यहाँ पे नहीं मिलता है मोटो एच 40 नियो में, जो कि मोटो एच 40 में मिलता है, जो कि यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग निकल कर आता है। लाइक एच 40 नियो में आप लोगों को कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है एंड एच 40 में आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को अवॉइड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग मोटो एच 40 नियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन के कंक्लूजन के बारे में, तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोग के लिए यहाँ पे होने वाला है। तो गाइस देखो, अगर आप लोग का बजट 25,000 है स्ट्रिक्टली, उतना उससे ज्यादा आप लोग बजट नहीं बढ़ा सकते, तो डेफिनेटली आप लोग मोटो एच 40 नियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे बजट थोड़ा यहाँ पे बढ़ा सकते हो एंड आप लोगों को यहाँ पे मेटल फ्रेम चाहिए, वायरलेस चार्जिंग चाहिए, IP68 के रेटिंग तो दोनों में ही मिल जाती है, वैसे अगर आप लोग ज्यादा प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। बट मैं कहूंगा अभी रुक जाओ, BBD जल्दी आने वाला है, उसके अंदर में आप लोगों को मोटो एच 40 भी काफी सस्ता यहाँ पे मिलने वाला है, उस टाइम पे आप लोग डेफिनेटली मोटो एच 40 को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिलने वाली है, मेटल की फ्रेम मिलने वाली है, ओवरऑल आप लोग के लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे मोटो एच 40 होने वाला है BBD सेल के दौरान। अगर आप लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे परचेज करना चाहते हो तो फिर आप लोग मोटो एच 40 नियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग कोई भी सवाल रहता है दोनों ही स्मार्टफोन के रिगार्डिंग या फिर कोई भी स्मार्टफोन के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे और एक वीडियो में।